है पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, खुशखबर, भारत के नाम एक और ब्रॉन्ज मेडल, एक और मेडल भारत की झोली में पेरिस ओलंपिक 2024 और एक और मेडल भारत के नाम। अमर अमन सहरावत ने भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। अमन सहरावत के नाम जीत दर्ज कुश्ती में, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया अमन सहरावत ने। कुश्ती में एक और मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम, और 57 किलोग्राम की कुश्ती में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कुश्ती 57 किलोग्राम और अमन सहरावत इसके नायक रहे। ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में एक और मेडल, पेरिस ओलंपिक। सत्तावन किलो वर्ग में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल, कुश्ती में 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया और भारत की झोली में एक और मेडल दर्ज करवा दिया। ये बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक 2024, एक और मेडल भारत के नाम, बड़ी खबर इस वक्त। तो इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही 6 पदक भारत के नाम, पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के नाम, एक और ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में अमन सहरावत को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला और अब तक भारत के नाम 6 मेडल हराता है। हर उसमें ट्रेलो में भी ऐसा ही सब आ रही उसमें। उम्मीद थी या और नहीं, कांसे की तो कल हमें उम्मीद थी, कांसे में तो मुझे खूब है, वो तो भाई कुश्ती कुश्ती होती है, कल हो गई। बाकी हमारे इलाके का बच्चा ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आ रहा है तो हमारे को खुशी है। हमारा बेटा जो है 21 साल की उम्र में उसका इतिहास रख दिया, हमारे को बहुत खुशी है। आप लोग जो है लो, हाँ जी दादाजी, दादाजी अलग भाई। तो अमन सहरावत के घर पर अब आसपास के लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है, मीडिया भी पहुंच चुकी है, खुशी जाहिर की जा रही है भारत के नाम एक और ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर, खुशी। कुश्ती में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल, बड़ी खबर इस वक्त की ओलंपिक से।